ठीक है। तो आज ये दूसरा दिन है और अहमद अंसारी जी हैं, कॉमर्स में है, कॉमर्स डिपार्टमेंट में, और इवन एज ए टीचर तो यहाँ हम अपनी बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग टीचिंग से जुड़े हैं, लर्निंग टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी बेहतरीन इंसान है और सबकी ज़रूरत पे हमेशा हम लोग तो शिक्षक से, शिक्षक संगठन से भी जुड़े हैं, लेकिन हम लोगों की जब ज़रूरत होती है तो भी हम लोगों के दिल साथ ही सामने हैं, जब किसी स्टूडेंट को ज़रूरत होती है तो भी दिल साथ ही सबके सामने हैं, और इवन दिल से जहाँ तक मदद कर सकते हैं हमेशा करते हैं। शहर के बहुत संगठनों से जुड़े हैं, बहुत सारे एनजीओ से जुड़े हैं, और इवन हर चीज़ में पैनी नज़र रखते हैं और सबके साथ, चाहे वो समाज के किसी या यूनिवर्सिटी या किसी भी आदमी हो चुकी है, और हमारे जितने भी यहाँ शिक्षक साथी हैं यहाँ मौजूद हैं, हमको उनका भी साथ स्वागत करते हैं। लगभग 2.5 महीने जो है इसमें बिजी रहेंगे, और जाते जाते हम यहाँ पर एक बात हम शॉर्ट में बताते जा रहे हैं, गुरुमंत्र देते जा रहे हैं, का चेष्टा बकुल दृष्टि कुकुर निद्रा। तो ये हम आपको देते हैं, काक चेष्टा मतलब कौवा होता है, कौवा हमेशा प्रयास करता रहता है, चाहे आप कितना भी उसको भगाएं लेकिन वो अपना जो है लक्ष्य प्राप्त करके ही रहता है। बकुल दृष्टि यानी बगुला को आपने देखा होगा, एक टांग पे खड़ा रहता है, निशाना साधे रहता है, जब तक वो अपना टारगेट ना पूरा कर ले, उस मछली को ना पकड़ ले, तब तक वो अपना लक्ष्य देखता रहता है। इसी तरीके से जो कुत्ता होता है, चाहे किसी भी वक्त कोई भी गुजर जाए, हर वक्त जाग जाता है, तो स्टूडेंट को